हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और सुबह के हो रहे हैं 10 और आप लोग देख ही रहे हो कि दो पुलिस वाले हमारे घर में सुबह सुबह आकर बैठ गए हैं। क्या इशू हुआ है, अगर आपको ये सब जानना है तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। कई लोगों को कन्वर्सेशन से समझ आ जाएगा जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ पुलिस वालों की। अगर नहीं समझ आएगा तो गाइस आप वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर एंड तक। मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, देखो पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या किया। तो गाइस आप वीडियो में बने रहें एंड वीडियो को एंजॉय करें। सो आज हम खा रहे हैं गोलगप्पे। आज ही नहीं, हमें हफ्ते से आदत पड़ चुकी है गोलगप्पे खाने की, बिकॉज हमारे घर के बिल्कुल पास से ना गोलगप्पे वाले भैया निकलते हैं, तो हमें उनका टाइम पता लग चुका है, हमने उनका टाइम उठा लिया मतलब। और हम रोज खाते हैं, कम से कम 50 रुपए के हमारे गोलगप्पे हो जाते हैं, तो इतने अच्छे होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन में कर ही नहीं सकती, बड़ा मजा आता है यार। और लड़कियों के फेवरेट गोलगप्पे ही होते हैं। बोलते बोलते मेरे मम्मी पानी आ रहा है और मम्मी भी खा रहे हैं बड़े मजे से। दिखाती हूँ, अब मेरी बारी है। रोशनी कितना मजा आ रहा है, रोज खाएंगे हैं? सही में यार मेरे तो फेवरेट बन चुके हैं ये। मुझे ना जल्दी से पसंद नहीं आते किसी के गोलगप्पे, बट इसके ना इतने अच्छे होते हैं। इसके जो गोलगप्पे हैं ना वो पतले पतले होते हैं, खाने में इतने क्रंची हैं। मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी भी चस्के लगा लगा के खा रहे हैं। सारे एंजॉय कर रहे हैं और मैं अभी करने वाली हूँ वीडियो कॉल अपने हस्बैंड को और उनको चिढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, रुक जाओ। फोन उठा ले तभी मजा आए। एक और आ गया गोलगप्पा लवर ट्यूशन से। बहुत मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है। कल ये रेस्टोरेंट गए थे, 400 रुपीज खर्च करके आए हैं अपने ऊपर। हमें 50 रुपए का तो हक है ही, बड़ा मजा आ रहा है। टाइम तो देखो कितना है, टाइम तो देखो दादी कितना टाइम हुआ है। खाने
खाने हैं। चलो ठीक है, बाय। बस दिखाना सी। ये खींच चुके हैं, चलो हम इंजॉय कर लेते हैं, आज तो मजा ही आ गया। अब मैं आई हूँ राज ज्वेलर, बिकॉज मुझे कुछ परचेज करना है, और हम यहीं से कुछ भी गोल्ड का बाय करना होता है या फिर सिल्वर का, तो हम यहीं से परचेज करके जाते हैं, और इनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो मैं अब करवाने वाली हूँ ईयर पीसिंग, और ऐसा नहीं है कि मैंने ईयर पीसिंग नहीं करवाई है, बट मुझे अपने ईयर पे दो दो होल चाहिए, बिकॉज़ मेरा बहुत मन है कि मैं दो दो स्टड डालूँ अपने ईयर पे, और कोशिश कर रही हूँ और पूरा मन बना रही हूँ। और मैं यहाँ पर यही डिस्कशन कर रही हूँ कि मैं पता नहीं करवा पाऊँगी कि नहीं, तो वो अंकल बोल रहे हैं कि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं करवाने के लिए, और आजकल नई गन आ चुकी है जिससे बिल्कुल पेन नहीं होता, पेनलेस गन होती है वो, तो लेट्स ट्राई। भाभी तेन अज गोली ना उड़ा देना अंकल। चलो सो हम खाने वाले हैं नान छोले, तो हम आए हैं रावल पिंडी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था ब्लॉग में कि मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस हमारे घर में क्यों आई है, तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ है। एक्चुअली हमारे घर में कैमरेज लगे हैं, एक फैमिली है जो हमारे घर से बिल्कुल थोड़ी ही दूर में रहती है, उनके घर में कुछ इशू हो गया था, तो बस वो सीसीटीवी कैमरे में ये देखने आए थे कि कोई गाड़ी यहाँ से निकली है रोड से जो हमारे घर के पास है कि नहीं, बस उन्होंने वो चेक करना था। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या हो गया और पुलिस हमारे घर में आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर ये था कि पुलिस चेकिंग के लिए आई थी, सीसीटीवी कैमरे में देखने आई थी कि कोई गाड़ी यहाँ से निकली है या नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और कैमरे के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है स्पेशली हमारे लिए। आज बड़ा अच्छा मौसम हो गया, पहले अंधेरी आई फिर अब बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, एसी भी फेल कर रहा है, ये मौसम बड़ा मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है नहा ले बस छत पे जाके, अच्छी हवा है। गर्मी के मौसम में अगर ऐसा मौसम हो जाता है ना, इतना मजा आता है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देखो हवा की आवाज, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कितनी तेज हवा होगी। पर तो मिट्टी मिट्टी वाली बहुत ज्यादा अंधेरी आई, ये है रोशनी, ये भी नजारे ले, इसके बाद देखो कैसा किस तरह उड़ रहे हैं। और मे भी आज हमारा गोलगप्पे वाला नहीं आएगा, कि नहीं आएगा, बारिश में ही ना आएगा, बारिश में नहीं आएगा, और आज हमारे गोलगप्पे मिस हो जाएंगे। यार एक खिड़की बंद हो रही है, ईट निकल गई रोशनी, हमने ना यहाँ पर ईट लगाई हुई है, ईट फंसा देते हैं हम यहाँ पर।
इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा था, कहीं जाने का कहीं घूमने का मन कर रहा था, पर क्या करे ये जो हस्बैंड होते हैं ना इनको टाइम ही नहीं होता हम लोगों को घुमाने का। ये है हमारी गली, वाओ ये देखो बादल कितने हैं, मैं आसमान दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये शाम तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है मजेदार। आप लोग कहाँ रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो कमेंट करना और बताना कि आपके उधर बारिश हो रही है या नहीं।